फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 1 जनवरी, चल रहे हैं हम कुछ बनाने, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, चल रहे हैं हम बनाने आज गुजिया, और कैसे बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाई, और इसमें हम डाल देते हैं घी। देसी घी डालेंगे 2 चम्मच, और इसके बाद हमारी घी जब गर्म हो जाएगी इसमें हम डाल देंगे रवा। और इस गर्म हो गई हमारी घी, इसमें डाल देते हैं हम रवा। रवा थोड़ा ज़्यादा है, भून के रख देंगे, क्योंकि बाबू जब स्कूल जाता है तो भूनना पड़ता है, लेट होता है, तो इसीलिए इसको हम भून के रख देंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे उसमें गुजिया में। देखिए अभी इसको हम भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होते तक, देखिए। और ये हमारा खोया, और खोए को अच्छे से फोड़ लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे। देखिए हमारी सूजी अच्छे से ब्राउन हो गई है, धीरे गोल्डन ब्राउन हो गई है, कैमरे में अच्छे से नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर से हम ऑन कर लेते हैं गैस, और कढ़ाई गर्म हो रही है हमारी, और हम फोड़ लेते हैं ये खोया जो है। खोया फोड़ लेंगे, नहीं तो कड़ा हो गया था, हम फ्रिज में रख दिए थे, शाम को लेके आए थे और रख दिए हम फ्रिज में, कड़ा हो गया। इसको टुकड़े में करके इसके बाद कढ़ाई में डाल देंगे, और इसको हम फोड़ के अच्छे से डाल देंगे और मिक्स कर देंगे, जिससे हल्का पिघल जाए हमारा खोया। और उसके बाद इसमें हम चीनी मिक्स कर देंगे, और फूट ही नहीं रहा था, इसको हम रख दिए थे फ्रिज में, एकदम टाइट हो गया था, ठंड का मौसम ऐसे ही है। और बहुत अच्छा खोया था, जहाँ से लेके आए हैं शुद्ध खोया था, देखिए पिघलने लगा है अच्छे से। और देखिए अच्छे से पिघलने लगा है, और इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी सूजी, चीनी भी डाल के मिक्स कर दिए हैं इसमें। देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मेवा काट के इसमें डाल दिए हैं, देखिए थोड़ा सा काजू बादाम और गरी का बुरादा, और इलायची पीस लिए थे, उसको भी इसमें मिक्स कर। हम जा रहे हैं बनाने पनीर मटर की सब्ज़ी, उसके लिए हम कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। और उसके बाद उसमें अदरक और जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, सबको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेते हैं, और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और लहसुन भी है, देखिए सब सभी चीज़ को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक ठंडा होगा तब तक हम अपनी गुजिया भी तल लेंगे, जब तक ये ठंडा होगा हमारी, क्योंकि हमारी सिस्टर और हमारी भावना बच्ची दोनों लोग मिलके उसको गुजिया बना रही हैं। हमारे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो पैर हमारा दर्द होने लगता है। देखिए अभी इधर हम गुजिया भी तलने लगे, और उधर हमारा तड़का अच्छे से ठंडा हो रहा है, देखिए उसका पेस्ट भी बना लिए हैं। अब चल रहे हैं हम बनाने सब्जी। देखिए आप लोग, हमने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, और बाबू भी परेशान कर रहा था, और ठंड का मौसम है, हमने सोचा लाइए जल्दी जल्दी बना लेते हैं, जो कुछ हम थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाए हैं कर लिए। और हमारे पति देव जी थे ऑफिस, देखिए इसमें डाल दिए हैं जीरा, आ गए हैं वो ऑफिस से, और हींग डाल दिए हैं, गरम मसाले भी डाल दिए हैं इसमें खड़े वाले, और उसके बाद जो पीसा हुआ वो सारा मसाला था उसमें भी इसमें मिक्स कर दिए हैं, और ये अच्छे से पकने लगेगा। इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, ये सब मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से होगा, देख कितना अच्छे से कलर आया है। इसी में मसाला भी डाल लिए थे, सारा मिक्स कर लिए थे पानी में, और ये मसाला हमारा हो गया अच्छे से। इसमें पनीर कट करके रखे हैं उसे डाल देंगे, और सब मिक्स कर दिए हैं। और गुजिया हमारी तैयार हो गई है, चल रहे हैं हम बनाने पनीर, क्योंकि बाबू को लेट हो रहा था, बहुत बहुत जिद कर रहा था, रात भी हो गई थी, और हम चल रहे हैं तलने पूरी। अभी आप लोगों को हम दिखा देंगे लास्ट में, उसमें हरी हरी धनिया डाल दिए हैं सब कुछ, हमने सोचा लाइए पूरी भी तल लेते हैं।
ऐसे साथ में ही। और हमारी गुजिया पूरी तल उठी गई है, देखिए हम बगल में रखी है। और थोड़ा हमारा किचन मेसी हुआ है, प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना, नहीं तो बोलो कि ऐसे हमेशा गंदा ही रहता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सफाई रहती है, लेकिन कोई काम करो तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है, छोटे बच्चों के साथ तो ज़्यादा ही हो जाता है गंदा। और पूड़ी हम बना रहे हैं, इसके बाद पापड़ तल लेंगे। और आप लोग भी आ जाइए हमारे यहाँ खाने, देखिए कितनी अच्छी पूड़ी फूल रही है, थोड़ी पहले से बेल के रखी थी इसलिए। और फाइनली हमारा खाना तैयार हो गया है, सब्जी भी हमारी तैयार हो गई है। ऐसे बहुत अच्छी लगती है हमें। और देखिए हमारी सब्जी भी बन गई है, इसमें धनिया पत्ती डाल दिए हैं और हमारा खाना तैयार हो गया, थाली भी लग गई है इनके लिए। आ जाइए।